और डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसेंस मैथ्स क्लास। और ये वीडियो हमने क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, और पर्टिकुलरली ये ध्यान में रख के बनाया है कि हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको पता है कि 17 मार्च को क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है। और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन पहले से स्टार्ट है, तो मे बी अगर आपने फिजिकल एजुकेशन नहीं लिया हुआ है तो उस केस में आपका बोर्ड एग्जाम 27 से स्टार्ट होगा, और अगर आपने फिजिकल एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट भी अगर आपके पास है तो और भी पहले आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो, अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम से भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोर्ड एग्जाम के बीच में जो गैप मिलता है हमें, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें। सो, हम थोड़ा सा आज बोर्ड एग्जाम के पेपर को, यानी बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सके कि आप कैसे कम समय में ये तैयारी कर पाएंगे। ओके, सो आपको पता होगा कि जो इस साल क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा अलग पैटर्न का आने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर होते थे उससे ही क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस सेंस में होगा कि अब हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क्स के, जो 24 मार्क्स कैरी करेगा, जबकि याद होगा आपको कि पहले इसकी जगह पर 7 क्वेश्चन आते थे 6 मार्क्स के। नहीं तो पहले बड़े क्वेश्चन जो है वो 7 क्वेश्चन होते थे, और अब सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे। ओके, 4 और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो 6 जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो भी कम हो गए हैं। प्रीवियस ईयर्स 11 क्वेश्चंस आते थे 4 मार्क्स के, यानी अब एक चीज देखिए कि पहले क्या होता था कि 7 क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं 42 मार्क्स, और 11 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के 44 मार्क्स, है ना, 11 क्वेश्चन। सो टोटल मिला के 100 में से 86 मार्क्स का पेपर आपका एक तरह से बड़े क्वेश्चनों का होता था, जहां पर थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी 24 80 में से ओनली, दिस इज 80 मार्क्स। सो 80 मार्क्स में से क्या होगा कि सिर्फ 48 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले और 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले। रेस्ट जो है, जो नई चीज आई है, पहले भी 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन थे वो अभी भी हैं, लेकिन जो नई चीज है वो क्या है, 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 36 हो जाएगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स आपको स्कूल से इंटरनल असेसमेंट मिलेंगे। ओके, टॉपिक वाइज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो हमारा टॉपिक रिलेशन फंक्शन ये 8 मार्क्स का होगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स, और कैलकुलस से 35 मार्क्स होंगे। अब यहाँ कैलकुलस का मतलब ये बहुत लंबा पोर्शन है, इसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर बाउंड्री डिवीजन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी टॉपिक कैलकुलस में ही आते हैं। एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होगा ये जरूरी नहीं है, एक दो नंबर का वेरिएशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि ये जूने की एलपीपी के 5 ही होगा, अगर एलपीपी का इक्वेशन 6 मार्क्स आ गया तो इक्वेशन एक नंबर ज्यादा हो गया, तो वो एक नंबर कहीं एक से कम हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एलपीपी से सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं हो, तो इसका मतलब एक नंबर यहाँ कम हो गया, तो वो एक नंबर जो है 1 मार्क्स जो है वो कहीं और एडजस्ट होगा। अच्छा, अब देखें कि अगर हम पहले तो हम अच्छा था कि 7 क्वेश्चन थे बड़े, तो हम उन 7 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते थे, अब क्योंकि हमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं तो वो 4 क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। सो किसी हमने टॉपिक वाइज कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश की है, आइए आते हैं इस पे। सी, जो मुझे लगता है कि जो आपको 4 क्वेश्चन जो 6 मार्क्स वाले आने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो होगा जिसमें 100% ऑप्शन होगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ना के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन पूछना है या ऑप्शन देने हैं स्टूडेंट्स को, तो जो ऑप्शन देंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन और मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लें तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही क्वेश्चन और ऑप्शन में आ जाए, यानी इंटरनल चॉइस के साथ हो, तो उस केस में तो ये हमारा इजी क्वेश्चन होता है, हम आसानी से इसको बना सकते हैं। देन हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे एरिया अंडर बाउंड्री डिवीजन का,
ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देन मैक्सिमम मिनिमा से एप्लीकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन डायरेक्टिव से मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन इसकी पॉसिबिलिटी है, और एक क्वेश्चन जो है वो प्लेन से आएगा, वो चाहे इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड हो या फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज की कैलकुलेशन हो, यानी प्लेन के फॉर्म में कि प्लेन के रेस्पेक्ट में हम उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज कैलकुलेट करें। सो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने मार्क किया है सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से कि इनसे 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने चाहिए। अब जूनी की इन्हीं से आएगा, क्या हो सकता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन हट जाए और जो 4 मार्क्स की हमने लिस्ट बनाई है उसमें से 6 मार्क्स का आ जाए और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में, लेकिन ये आएगा जरूर। अब 4 मार्क्स से 6 क्वेश्चन की हमने एक लिस्ट बनाई है कि क्या आ सकते हैं। एक क्वेश्चन एलपीपी का होगा, बेस थ्योरम और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक होगा, तो क्या करेंगे, दोनों तैयार करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, साथ में एक ऑप्शन हो। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है उसका एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से किसी एक में से हो सकता है। तो हमने मार्क किया है कि सीबीएसई सैंपल पेपर में इन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी भी यही बनती है कि अगर इन दोनों का क्वेश्चन आ जाए तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 2 मार्क्स में चला जाएगा। अब चेंजेस क्या हो सकते हैं जो मुझे लगता है, से इनमें से ये एलपीपी और बेस थ्योरम के क्वेश्चन ये ऊपर जा सकते हैं, तो अगर ये ऊपर गया तो ऊपर से कोई 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में चला आएगा। ओके, तो ये आपके 6, 4, 10 क्वेश्चन हो गए, तो ये 10 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है। अब अगर कहेंगे कि अच्छा अगर हमें नहीं इनमें से कोई क्वेश्चन, इनके अलावा कौन 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 सा क्वेश्चन तैयार करें जो कि हमें 4 या 2 मार्क्स में हमारी हेल्प करने वाला है ना, सो क्या करते हैं कि हम कुछ और टॉपिक को मार्क करते हैं, उनको देखते हैं कि जिसमें से 2 और 4 के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नाउ सी अनदर वन, एक और हमने किया प्रिपेयर, अभी हमारा छूट किया गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सीबीएसई सैंपल पेपर में इसके 2 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। सो अब ध्यान रखिएगा कि अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छोटा आया तो यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आया, अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन छोटे होंगे, तो बहुत बड़े क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर नहीं करना है ना। यानी हम फिर कहाँ फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन पे, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन है स्पेशल इंटीग्रेशन पे या सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक अगर मैं इसमें इंक्लूड करता हूं तो मुझे लगता है बाई पार्ट्स, इनसे क्वेश्चंस की ज्यादा पॉसिबिलिटी जाएगी। अब जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर को तो इनडेफिनेट का क्वेश्चन लेके आएगा यहाँ 4 मार्क्स में, और 4 मार्क्स में तब ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन चला जाएगा 2 मार्क्स में, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा उस केस में, राइट। नाउ और क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, सी टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, ये हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स है, इनसे एक क्वेश्चन तो 100% आना है 2 मार्क्स का। देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में अगर अब बेस थ्योरम वहां पर आ गया तो इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इसमें आ सकता है 2 नंबर का। देन वेक्टर से एक क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, या तो दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन, एक स्पेस हमने छोड़ दिया है, एक स्पेस छोड़ा है क्योंकि वो एडजस्टमेंट में वो किसी भी टॉपिक से ले सकते हैं मार्क्स को एडजस्ट करने के लिए। अब मार्क्स एडजस्ट करने से मतलब क्या है, सी हम फिर फर्स्ट पेपर पे आते हैं, सी हमने भी क्या मार्क किया फर्स्ट पेपर पे, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने मार्क किया कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का यहाँ से, राइट, हमने मार्क कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा 4 मार्क्स है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने 6 मार्क्स यहाँ मार्क किया है, हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ मार्क कर लिया है, नहीं 1, 2, 3, 1, 2, 3, और एक क्वेश्चन कौन सा था, प्लेन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, एरिया अंडर बाउंड्री डिजन, हमने 1, 6 ये मार्क कर लिया। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कहाँ कहाँ मार्क किए हैं चेक करें तो, हमने एलबीपी को मार्क किया, हमने एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मार्क कर लिया है, नहीं हमने एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से मार्क कर लिया है, ओके, देन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन मार्क किया 4 मार्क्स का, हियर इट इज, एंड हमने फंक्शन इनवर्स हमने इससे भी 4 मार्क्स का। अब देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन हमने कहाँ मार्क किए हैं, इसमें काम है ना, मैं इस पेपर को इधर कर लेता हूँ ताकि क्लियर कट हमें मुझे भी पता लग जाए। ओके सी नाउ
अब हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो मार्क किया है, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन मार्क कर लिए, सो हियर इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 2 मार्क्स, राइट। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन में मार्क कर लिया, चलिए ठीक रहा। हमने क्या किया, टेंजेंट नॉर्मल यानी एप्लीकेशन डेरिवेटिव से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क किया, एक हमने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क कर दिया 2 मार्क्स का, हमने वेक्टर और 3D से भी एक क्वेश्चन हमने 2 मार्क्स का। तो अब ये तो 14 मार्क्स है ना, 6 to 8, तो हो सकता है और एक 2 कर देते हैं, 10 हो गया। अब ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसका मतलब 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, 4 क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, 10, 20, 26, यानी अभी भी इसमें 9 और है, तो सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और अभी 9 क्वेश्चन, यानी 1 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क हुआ है, राइट ना, 1। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ 7 कर दें, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक बार चेक कर लेना है, 4, 2, 6, 2, 8, 6, 4, 10, 8, 4, 2, 6, 7, 8, 4, 1, 5, 14, 6, 4, 10, 4, 14, then 35, अच्छा इसको भी चेक कर लीजिए, 40, 50, and then 35, 35, 5, 40, 50, और यहां से 30, इज इट 80 ना, सो ऑलमोस्ट इस तरह का पेपर बनना चाहिए। सो आप इसको ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जब एग्जामिनेशन करीब आ जाए तो जनरली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें जो कि एग्जामिनेशन में आने वाला है, और उन चीज़ों को कम पढ़ाई करें कि जो एग्जाम में नहीं आने वाले, क्योंकि एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जामिनेशन के पहले आपने जो भी स्टडी की वो आपने नॉलेज के लिए किया है, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करें। तो उसमें क्या होता है, नहीं कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के लेता हूँ, सपोज कंटिन्यूटी का टॉपिक है, और कंटिन्यूटी का हमने इसमें कहीं भी मार्क में नहीं आया, 4 मार्क्स से क्वेश्चन है। अब हम कंटिन्यूटी के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कभी नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में अगर आएगा भी कंटिन्यूटी का, तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत छोटा होने वाला है। तो हम अब ऐसा क्यों पढ़ें कि जो नहीं आने वाला है उनको स्टडी करते जा रहे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखकर प्रिपेयर करेंगे कि एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। सी प्रीवियस ईयर से मैं यहां लिख देता हूं बाइनरी ऑपरेशन, नो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड देन बर्नौली ट्रायल है ना, बर्नौली ट्रायल, ये दोनों अब हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले इनसे क्वेश्चन आया करता था, पहले बाइनरी ऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो डियर फ्रेंड, हमने इस वीडियो में कोशिश की है ये जानने के लिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सीधे क्या करेंगे, टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन की बातें करूंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है, कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे डिस्कशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।